धर्मवीर फिल्म में वो वाला सीन तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जब दोस्तों रानी माँ जी का पैलेस दिखाया जाता है। तो दोस्तों ये वाला पैलेस वही है, वीर अपने मामा के ऊपर हिरमाना रख कर तीर से मारते हैं ना, तो वो वाला सीन कुछ यहाँ पर शूटिंग के दौरान दिखाई दिया जाता है। ऐसे यहाँ पर ऐसे चल कर आकर खड़े होते हैं और बोलते हैं कि बेटा मैं तेरी नजर उतार दूँ, काश मेरी ही नजर न लग जाए। जितेंद्र बोलते हैं अरे मामा मामा कहाँ चले, अभी तो तीर की और अभ्यास करना बाकी है। तो उनके मामा बोलते हैं नहीं बस आज के दिन इतना ही काफ़ी है। मामा के ऊपर रखे हुए सेब को तीर से मार देते हैं। फिर उनके मामा आगे की तरफ आते हैं ना, जितेंद्र यहीं पर खड़े होकर बोलते हैं कि आगे कहाँ आ रहे हो मामा जी, सेब तो उड़ा दिया हूँ, अभी अंगूर की बारी है। तो उनके मामा जब भाग के जाते हैं ना दोस्तों, इस जंगल की तरफ अब भाग के जाते, रानी माँ आकर बैठती है ना, तो वो वाला सीन यहीं पर शूटिंग किया जाता है। फिर जो वीर के मामा रहते हैं और बोलते हैं कि राजकुमार वीर सिंह के नाम के शुद्ध करण अवसर पर रानी माँ की तरफ से सोने की असर पिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं हमारे प्यारे दोस्तों आप लोग सभी? तो आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त और फर्स्ट क्लास होंगे। तो जानकारी के लिए दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि मैंने आप लोगों को इससे पहले शोले फिल्म की पूरी शूटिंग लोकेशन दिखाया था। तो हाँ जी दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को एक और फिल्म की शूटिंग लोकेशन दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों 6 दिसंबर 1977 में एक बेहतरीन ही फिल्म आई थी दोस्तों, आज उसी फिल्म की शूटिंग लोकेशन के बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं। तो हाँ जी दोस्तों, अगर आप लोगों को वो फिल्म की नाम के बारे में बताएं तो दोस्तों वो फिल्म का नाम है धर्मवीर। 6 दिसंबर 1977 में एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म आई थी दोस्तों, जिस फिल्म का नाम है धर्मवीर। तो हाँ जी दोस्तों, आज इसी वीडियो में मैं आप लोगों को धर्मवीर फिल्म की शूटिंग लोकेशन के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को धर्मवीर फिल्म के बारे में कुछ जानकारी के लिए बता दें, तो आप लोगों ने धर्मवीर फिल्म देखी होगी तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि धर्मवीर फिल्म में ऐसे ऐसे सुपर डुपर हिट गाने थे, जिन गानों ने धर्मवीर फिल्म को सुपर डुपर हिट करा दिया था। तो हाँ जी दोस्तों, उसमें से एक गाना ये वाला था, 7 अजूबे इस दुनिया में 8वें अपनी जोड़ी है, अरे भाई टूटे से भाई न टूटे अपनी धर्मवीर की जोड़ी। ये वाला गाना धर्मवीर में था और बाकी 3-4 गाने बहुत ही सुपर डुपर गाने थे दोस्तों धर्मवीर में। आप लोगों को इस फिल्म के सुपर स्टार लोगों के बारे में बताएं तो दोस्तों इस फिल्म में मुख्य हीरो का किरदार निभाए थे धर्मेंद्र और जितेंद्र। तो दोस्तों धर्मेंद्र का नाम रहता है इस फिल्म में धर्म और जितेंद्र का नाम रहता है वीर। जानकारी के लिए बता दें आप लोगों को, जो धर्मवीर फिल्म की शूटिंग हुई थी ना दोस्तों, वो बेंगलोर पैलेस में ही हुआ था। बेंगलोर पैलेस के एड्रेस के बारे में बताएं तो दोस्तों ये पड़ता है बेंगलोर में, बेंगलोर सिटी से लगभग 20-30 किलोमीटर दूर एक जगह है जिस जगह का नाम है बेंगलोर पैलेस। हाँ जी दोस्तों, इसी पैलेस में बहुत सारी हमारी हिंदी फिल्मों की शूटिंग हुई है, जैसे कि जो जीता वही सिकंदर और सनी देओल की आप लोगों ने बेताब फिल्म देखी होगी तो बेताब फिल्म की भी यहाँ पर शूटिंग हुआ था। और आप लोगों ने मर्द फिल्म वो वाला सीन देखा होगा जब अमिताभ बच्चन दारा सिंह से लड़ते हैं ना, तो वो वाला सीन भी यहीं पर शूटिंग किया गया था। और हमारी अन्य हिंदी मूवी है दोस्तों जो कि बेंगलोर पैलेस में शूटिंग हुआ था। तो चलो दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं धर्मवीर फिल्म वाला जगह जहाँ पर धर्मवीर फिल्म की शूटिंग हुई थी। फाइनली मैं उस जगह पहुँच गया हूँ जहाँ पर धर्मवीर फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो हाँ जी दोस्तों, ये जो पैलेस आप लोगों को देखने को मिल रहा है ना, तो इसी पैलेस के अंदर धर्मवीर फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो दोस्तों आज इसी वीडियो में आप लोगों को एकदम सेम टू सेम मैचिंग करके दिखाने वाला हूं। इस पैलेस के बारे में अगर आप लोगों को कुछ जानकारी के लिए बताएं तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मैसूर पैलेस देखा होगा तो उसका सेम टू सेम डुप्लीकेट पैलेस मैसूर के राजा यहाँ पर अपने लिए बनवाए थे। अगर आप लोग अंदर जाना चाहते तो वहाँ से आप लोगों की एंट्री होगी। जगह को विजिट करने के लिए बताएं तो दोस्तों आप लोगों को कितना जेब खर्च आने वाला हो उसके बारे में बताएं तो दोस्तों आप लोगों को 300 से 500 रुपये जेब खर्च आने वाला है। तो अगर दोस्तों आप लोग बेंगलोर में रहते हो और ये वीडियो देख रहे हो तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक गुजारिश है कि ज़रूर से ज़रूर लोग आकर इस पैलेस में एक बार विजिट करना। तो चलो दोस्तों आप लोगों को धर्मवीर फिल्म की शूटिंग लोकेशन दिखाता हूँ।
धर्मवीर फिल्म में वो वाला सीन तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जब दोस्तों रानी माँ जी का पैलेस दिखाया जाता है। तो दोस्तों ये वाला पैलेस वही है, और एक सीन यहाँ पर शूटिंग किया जाता है जब रानी माँ को दो लड़के होते हैं, धर्म और वीर। तो वीर के जो मामा जी रहते हैं और धर्म को लाकर जब ऊपर से नीचे के लिए फेंकते हैं ना, तो वो वाला पिलर यही है दोस्तों। आप लोग आराम से वीडियो के स्क्रीनशॉट में इसको मैचिंग कर सकते हो। ये वाला दोनों पिलर शूटिंग के दौरान दिखाई दिया जाता है, और आप लोगों को जो वो सामने गोल गोल छतरी के जैसा बना है ना दोस्तों, वो भी आप लोगों को वीडियो की स्क्रीनशॉट में देखने को मिल जाएगा। ये जो दूसरा पिलर है ना, इसी के पिलर के ऊपर चढ़कर धर्म को ऊपर से फेंक देते हैं ना, तो एक बाज उड़ता हुआ आता है और धर्मिंदर को उठाकर ऐसा इधर की तरफ लेके चला जाता है। आप लोग वीडियो की स्क्रीनशॉट में ये वाले सीन को आराम से मैचिंग कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो में आप लोगों को ये दोनों पिलर देखने को मिल जाएगा। जो इससे पहले वाला सीन दिखाया था ना मैंने आप लोगों को, वहां पर दिखाया था, और मैं अभी वैसे घूमकर एकदम सामने की तरफ आ गया हूँ। तो ये रहा दोस्तों बेंगलोर पैलेस, आप लोगों को एकदम सामने से ही दिखा रहा हूँ दोस्तों। बेंगलोर पैलेस यानी ये जो पूरा बेंगलोर पैलेस बना हुआ है ना दोस्तों, ये बड़े बड़े पत्थर को काट कर पत्थर से बेंगलोर पैलेस को बनाया गया है। और दोस्तों मैं अभी आगे से घूम कर यहाँ पर आकर खड़ा होता हूँ ना, तो दोस्तों जिस जगह मैं खड़ा हूँ इसी जगह को धर्मवीर फिल्म में शूटिंग के दौरान दिखाई दिया जाता है। तो चल के वो वाला भी सीन आप लोगों को एकदम मैचिंग टू मैचिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो हाल ही दोस्तों उस समय यहाँ पर जो पेड़ हैं ये पेड़ नहीं थे, और अब यहाँ पर पेड़ और पौधे हो गए हैं। एक सीन यहाँ पर शूटिंग किया जाता है यानी कि जब वीर अपने मामा के ऊपर हिरमाना रखकर तीर से मारते हैं ना, तो वो वाला सीन कुछ यहाँ पर शूटिंग के दौरान दिखाई दिया जाता है। तो उनके मामा एक पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं तरबूज लेकर, तो ये वाला वही पेड़ है दोस्तों। और जानकारी के लिए बताएं दोस्तों कि उस समय ना ये जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है ना, वो पूरा ऐसा ही जंगल था। और दोस्तों जब वीर यानी कि जितेंद्र अपने मामा के ऊपर तरबूज रख कर निशाना लगाते हैं ना, तो वो वाला पेड़ यही है, और इसी पेड़ के नीचे वीर के मामा जी खड़े रहते हैं तरबूज लेकर, और जब तरबूज पर निशाना लगाकर तीर मारते हैं, तो वो वाला सीन को यहाँ पर ही शूटिंग के दौरान दिखाई दिया जाता है। और जब हिरमाना पर तीर मार देते हैं, तो उसके बाद धर्म यानी कि जितेंद्र बोलते हैं, ये बात हुई ना मामा जी, तो वो वाला सीन यहीं पर शूटिंग किया जाता है। वीर के मामा जी ऐसे यहाँ पर ऐसे चलकर आकर खड़े होते हैं और बोलते हैं कि बेटा मैं तेरी नज़र उतार दूँ, काश मेरी ही नज़र न लग जाए। जितेंद्र बोलते हैं अरे मामा मामा कहाँ चले, अभी तो तीर की और अभ्यास करना बाकी है। तो उनके मामा बोलते हैं नहीं, बस आज के दिन इतना ही काफ़ी है। तो फिर जितेंद्र बोलते हैं नहीं, आपकी तरबूज नहीं रखूंगा मैं। तो फिर उनके मामा बोलते हैं क्या रखोगे फिर आपकी, तो जितेंद्र बोलते हैं कि आपकी सेफ रखूंगा। तो उनके मामा बोलते हैं नहीं नहीं अगर थोड़ा भी निशाना चूक गया तो सेफ तो बच जाएगा, लेकिन सर का ढक्कन खुल जाएगा। तो वो वाला सीन यहीं पर शूटिंग के दौरान दिखाई दिया जाता है, और दोस्तों जिसमें कि आप लोग ये वाला जगह को मैचिंग कर सकते हो। और उसके बाद जितेंद्र बोलते हैं अपने मामा से कि समझ गया तुम मेरे को कितना प्यार करते हो। तो उनके मामा बोलते हैं अरे नहीं 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 तुम नाराज हो गए क्या। तो वो वाला भी सीन यहीं पर ऐसा करके शूटिंग के दौरान दिखाई दिया जाता है, यानी कि जब वीर के हाथ से उनके मामा सेब लेकर बोलते हैं कि ला भाई ला, मारा गया, तो लोग यही बोलेंगे कि एक मामा अपने भांजे के हाथों मारा गया। वो वाला सीन यहीं पर शूटिंग के दौरान दिखाई दिया जाता है, जिसमें कि दोस्तों आप लोग ये बेंगलोर पैलेस को आराम से मैचिंग कर सकते हो। तो वो वाला सीन को यहीं पर शूटिंग के दौरान आप लोगों को देखने को मिलेगा। और उसके बाद उनके मामा यहाँ पर ऐसा घूमकर इस तरफ पर आकर पेड़ के पीछे खड़े हो जाते हैं। जब वीर यानी कि जितेंद्र के मामा यहाँ पर खड़े रहते हैं, फिर जितेंद्र मामा के सर पर जो सेब रखा रहता है तो तीर से उसी सेब पर निशाना लगाते हैं। फिर जब निशाना लगाकर सेब पर मार देते हैं, तो उनके मामा बोलते हैं वाह भाई वाह, तुमने तो अपने इस तीर के निशाने से मेरा शेर को जगा दिया, काश तू मेरा भांजा नहीं मेरा बेटा होता। तो वो वाला सीन यहीं पर शूटिंग के दौरान दिखाई दिया जाता है, और ये वाला वही पेड़ है दोस्तों। आओ आप लोग आराम से वीडियो के स्क्रीनशॉट में
ये वाले सीन को जरूर से जरूर मैचिंग कर सकते हो। और दोस्तों, जब जितेंद्र अपने मामा के ऊपर रखे हुए सेब को तीर से मार देते हैं, फिर उनके मामा आगे की तरफ आते हैं ना, जितेंद्र यहीं पर खड़े होकर बोलते हैं, अरे मामा आगे कहाँ आ रहे हो, अभी तो अंगूर रखना बाकी है। तो फिर उनके मामा दुम दमा कर ऐसा भागते हुए जाते हैं जंगल में। तो फिर जितेंद्र घुराते हैं, अरे मामा ए मामा। तो वो वाला सीन यहीं पर शूटिंग के दौरान दिखाई दिया जाता है आप लोगों को। जब जितेंद्र बोलते हैं कि आगे कहाँ आ रहे हो मामा जी, सेब तो उड़ा दिया हूँ, अभी अंगूर की बारी है। तो उनके मामा जब भाग के जाते हैं ना दोस्तों, इस जंगल की तरफ भाग के जाते हैं, और जब जितेंद्र खड़े रहते हैं ना, तो इस दर पर खड़े रहते हैं जो कि वीडियो के स्क्रीनशॉट में ये बेंगलोर पैलेस आप लोगों को दिखाई दिया जाता है। आप लोग देखना दोस्तों, ये जो बेंगलोर पैलेस है, इसमें ये जो छतरी के जैसा राउंड राउंड बना है ना दोस्तों, ये वाला सीन आप लोगों को वीडियो के स्क्रीनशॉट में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग ये वाला सीन को जरूर से जरूर मैचिंग कर सकते हो। और ये बेंगलोर पैलेस कुछ आप लोगों को शूटिंग के दौरान ऐसा देखने को मिलेगा। मैं अभी आ चुका हूँ बेंगलोर पैलेस के दम फ्रंट साइड में, यानी कि आप लोग जब घूमने आओगे तो दोस्तों आप लोगों को इसी रोड को पकड़ कर आना है। और जैसे अगर आप लोग सामने खड़े होगे ना, तो सामने आप लोगों को बेंगलोर पैलेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर भी एक सीन शूटिंग किया जाता है, जब रानी माँ आकर बैठती है ना, तो वो वाला सीन यहीं पर शूटिंग किया जाता है। फिर जो वीर के मामा रहते हैं और बोलते हैं कि राजकुमार वीर सिंह के नाम के शुद्ध करण अवसर पर रानी माँ की तरफ से सोने की असरफिया, तो यहाँ पर ही रानी माँ बैठी रहती हैं। तो दोस्तों, आप लोग ये वाला सीन को मैचिंग कर लेना। और हालांकि बता दे दोस्तों, जो आप लोगों को इस समय बंद हुई दीवार दिख रही ना दोस्तों, ये उस समय खुला था और यहाँ पर ही थी, बड़ा ग्राउंड करके दीवार बनाया गया था, जो कि इस समय आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। और दोस्तों, ये वाला सीन को आराम से आप लोग वीडियो की स्क्रीनशॉट में मैचिंग कर सकते हो। तो यहीं पर रानी माँ बैठी रहती हैं, तो वो वाला सीन को यहीं पर शूटिंग के दौरान दिखाई दिया जाता है। दोस्तों, आप लोग जरूर से जरूर मैचिंग करके एक बार कमेंट करके बताना वो वाला सीन यही है या नहीं। तो दोस्तों, एक सीन और यहाँ पर शूटिंग किया जाता है, जब कैमरा ऐसा टर्न करता है ना, तो दोस्तों आप लोगों को ये वाला जो पिलर है ना, ये वाला पिलर भी आप लोगों को वीडियो की स्क्रीन शॉट में देखने को मिल जाएगा। और जो वीर के मामा जी रहते हैं ना, तो वीर के मामा जी यहीं पर सोने की असरपियाँ गरीबों में बांटते हैं ना, तो वो वाला सीन को यहीं पर शूटिंग किया गया था और उसी के पीछे रानी माँ बैठी रहती हैं। तो आप लोग दोस्तों, ये वाले सीन को वीडियो की स्क्रीन शॉट में आराम से मैचिंग कर सकते हो। तो बस दोस्तों, धर्मवीर फिल्म की इतना ही शूटिंग लोकेशन। तो दोस्तों, फाइनली मैं कर लिया हूँ धर्मवीर फिल्म की शूटिंग, और आप लोगों को वो जगह भी पूरा का पूरा दिखा दिया था। और दोस्तों, आप लोगों ने वो जो बेंगलोर पैलेस देखे थे ना, ये दोस्तों धर्मवीर फिल्म में रानी माँ जी का महल दिखाया जाता है, यानी वीर का राजमहल दिखाया जाता है ये वाला बेंगलोर पैलेस को। और दोस्तों, मैं इस जगह पर जाकर हर एक सीन मैचिंग करके आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी दिया हूँ। इसके कारण दोस्तों मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, यानी लगभग 4 से 5 घंटा मेरे को ये वाली वीडियो शूटिंग करने में टाइम लगा था। और दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें आप लोगों को, धर्मेंद्र की जितनी फिल्म होती हैं दोस्तों, सुपर डुपर हिट ही फिल्म होती हैं, जिसमें कि दोस्तों ये वाला भी एक फिल्म था, धर्म और वीर। तो दोस्तों, धर्म और वीर फिल्म इसलिए फेमस ज़्यादा हुई थी ना, इसमें बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन गाने थे। जैसे कि आप लोगों को इन गानों में से एक धुन के बारे में आप लोगों को बताएं, तो एक धुन मेरे को याद है, उसके ही बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, जब धर्मेंद्र और जितेंद्र जाते रहते हैं घोड़े से गाना गाते हैं ना, 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वे अपनी जोड़ी है, अरे टूटे से ना भाई टूटे धर्मवीर की जोड़ी, ओ हो। तो गाना दोस्तों इसमें का बहुत ही सुपर डुपर हिट गाने थे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप लोगों ने ये वाले फिल्म को देखा ही होगा। अगर दोस्तों आप लोगों ने ये फिल्म को नहीं देखा हो, तो मेरी तरफ से आप लोगों को गुजारिश है कि दोस्तों एक बार जाकर जरूर से जरूर इस फिल्म को देखना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जो आप लोगों को ये वाली फिल्म की शूटिंग लोकेशन दिखाया हूँ, बेहद ही पसंद आई होगी। तो हाँ जी दोस्तों, बेहद ही पसंद आए तो अपने भाई की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना यार। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह किसी नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।